हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। संविधान की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है संविधान की अनुसूची। जी हां, संविधान की अनुसूची से संबंधित कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह हमेशा संभावना भी बनी रहती है कि यहां से एक प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएंगे। जी हाँ, इसलिए आइए आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है संविधान की अनुसूची। जी, संविधान की अनुसूची, तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये अनुसूची होती क्या है। जी हाँ, संविधान की अनुसूची, देखिए किसी भी विषय को अच्छी समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि उसको हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करें। तो हमारा भारत का संविधान इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उनको एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए एक सारणी बनाई गई जिसे हम अनुसूची कहते हैं, और उससे संबंधित जो भी मुद्दे आते हैं वह उस अनुसूची में डाले जाते हैं। या तो किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करना हो या किसी चीज़ को हटाना हो तो हम उस अनुसूची का अध्ययन करते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये अनुसूची भारत जैसे विस्तृत संविधान का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से एक सारणी तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को घटा और बढ़ा सकते हैं। क्लियर, सिंपल भाषा में। अब देखते हैं अनुसूची, अगर हम बात करें मित्र तो अनुसूची की बात करें तो यहाँ से अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूछा जाता है कि मूल संविधान में, जी हाँ, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में कुल अनुसूची कितनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अगर हम देखें तो टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जिसमें बाद में 4 अनुसूची और जुड़ी। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हो जाएगी, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और बाद में कितनी अनुसूची जुड़ी गई, तो 4, और वर्तमान में कितनी अनुसूची है तो 12। क्लियर, अब हम आइए देखते हैं एक एक अनुसूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम बात करें कि पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित राज्य के बारे में बात की गई है। राज्य और संघ शासित राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, उनका निर्माण कैसे होना चाहिए, इन सारे संदर्भों में जो बातें कही गई हैं मित्र वह पहली अनुसूची में कही गई हैं। दूसरी अनुसूची का संबंध जो है वह वेतन एवं भत्ते से, जी हाँ, दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है, और तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ से है, और चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, यानी कि बंटवारे से रिलेटेड है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंध है। अब देखते हैं मित्र, ये तो पहली अनुसूची होगी, ये दूसरी अनुसूची होगी, और ये तीसरी अनुसूची होगी, और ये चौथी अनुसूची होगी। ये 4 अनुसूचियों से भी प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो 5वीं अनुसूची कौन सी है, अब इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जाति, ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। जी हाँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। तो जो 5वीं अनुसूची है वह अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
अब ये सवाल होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, पांचवी अनुसूची जाति और जनजाति से संबंधित है, तो पांचवी अनुसूची से ताल्लुक रखने वाले कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश, नोट करते जाइएगा, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा और भी हैं जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना भी एक राज्य है, ये भी आता है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड और एमपी, ये वो प्रमुख राज्य हैं जो जिनको किसके अंतर्गत रखा है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत रखा है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और उसके अंतर्गत आने वाले ये भारत के सारे राज्य हैं। देखिए ऐसा इसलिए है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत भारत सरकार के प्रति इनकी कुछ योजनाएं, इनकी प्रशासनिक संबंधित जो कार्यों को करना होता है, इसलिए इनको इस अनुसूची में रखा गया है, और इनसे अधिक जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि जनजाति, अनुसूचित जनजाति का जो अनुसूचित जाति से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उनके लिए पूर्वोत्तर में चार राज्य की व्यवस्था की गई है, जिसकी चर्चा हम छठवीं अनुसूची में करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आने वाले भारत के ये प्रमुख राज्य हैं, इन प्रमुख राज्यों को आपका नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर राज्यों में इतने राज्य याद हो जाएंगे तो कभी कभी विकल्प में पूछ देता है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य सम्मिलित नहीं हैं, तो उसमें हो सकता है उत्तर प्रदेश भी दे दें, हो सकता है उसमें हरियाणा दे दें, हो सकता है उसमें जम्मू कश्मीर दे दें, लेकिन अगर ये आपको पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बात समझ गए। अब देखते हैं मित्र, इसके अलावा जो आता है वो आता है छठवीं अनुसूची, उसके अलावा जो आता है वो छठवीं अनुसूची, ये तो पांचवीं अनुसूची होगी, अब हम छठवीं अनुसूची के संदर्भ में बात कर लेते हैं। छठवीं अनुसूची, तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत अगर हम देखें तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो छठवीं अनुसूची में इसमें क्या है, छठवीं अनुसूची में अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति से संबंधित बातें की गई है, जनजाति, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों की बात की गई है, लेकिन छठवीं अनुसूची में केवल अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में क्या की गई है, बातें कही गई हैं, संदर्भ में बातें कही गई हैं, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन राज्य आते हैं, तो इसके अंतर्गत भारत के जो राज्य आएंगे वह असम आते हैं, असम, मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, 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 ये वो चार राज्य हैं जिनको किस में रखा गया है, छठवीं अनुसूची में रखा गया है। इसका मतलब ये कि इन राज्यों में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति हैं वो पांचवी अनुसूची जनजाति के अपेक्षा बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनको अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा उदारता प्रदान की गई है इनके अपेक्षा, इसलिए इनके लिए एक अलग से अनुसूची का निर्माण किया गया है जिसे हम छठवीं अनुसूची के नाम से जानते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं जो हम देखते हैं
और अगली अनुसूची देखते हैं जो है सातवीं अनुसूची। जी हाँ, अगर हम सातवीं अनुसूची की बात कर लें तो सातवीं अनुसूची के संदर्भ में बात करें तो सातवीं अनुसूची में क्या है, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए मित्र, विषयों का बंटवारा यहाँ पे किया गया है। हालांकि इसकी चर्चा हम आपको जब संविधान का 11वां भाग पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन सातवीं अनुसूची में विषयों की बंटवारा की बात कही गई है तो इस चीज़ को हम यहाँ भी समझ लेते हैं आखिर में इसका मतलब क्या है। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि सत्ता का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए सातवीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे कई विषय हैं जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर राज्य कानून बना सकती है, ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर कौन कानून बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सातवीं अनुसूची में अगर हम देखें वर्तमान में और मूल संविधान में बात कर लें तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में अगर अनुसूची की बात कर लें तो यहाँ पर तीन अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से बात करते हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। क्लियर मित्र, राज्य सूची। और वर्तमान में अगर इन्हीं को देख लें तो वर्तमान में यही तीनों सूची की अगर हम बात कर लें तो ये तीन सूची यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर, यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, मान लेते हैं पहला यहाँ पर क्या है, केंद्र सूची, दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा राज्य सूची के विषय। तो मूल संविधान में यहाँ पर देख लेते हैं, पहले यहाँ पर 97 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो केंद्र सूची में लगभग 100 विषय इस समय हैं और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं और राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं। क्लियर, तो ये विषयों की संख्या है। तो जो 97 विषय हैं तो इसका मतलब कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है, यानी कि संसद का है, और समवर्ती सूची पर इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का है। तो आप समझ गए होंगे कि सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है और क्यों है। क्लियर, अब हम आते हैं आठवीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। आठवीं अनुसूची जो मूल संविधान की अंतिम अनुसूची है, मूल संविधान की अंतिम अनुसूची कौन सी है, अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि मूल संविधान की अंतिम अनुसूची कौन सी है तो आप क्या बताओगे, तो मूल संविधान की अंतिम अनुसूची जो है वह भाषा से, किससे है मित्र, भाषा। अब ये आप भाषा के बारे में जानते हैं, हम जब आपको संविधान का 17वां भाग पढ़ाएंगे तो वहाँ भाषा के बारे में डिटेल से इस पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में संविधानिक रूप से मान्यता प्राप्त जो भाषाएं उनकी संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो ये कितनी है, वर्तमान में मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में भाषा की संख्या जो थी वह 14 थी। कितनी थी, 14 थी। बाद में इसमें 8 जोड़ दिया गया और वर्तमान में कुल भाषा की संख्या कितनी है, 22 है। वर्तमान में कुल भाषा की संख्या कितनी है, 22 है। अच्छा, जो ये 8 भाषा जोड़ा गया मित्र, ये देखिए 8 भाषा, इस 8 भाषे को जोड़ने के लिए जो संविधान संशोधन आया था, पहला 21वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है, इसके बाद 71वां संविधान संशोधन आया था, फिर उसके बाद 92 संविधान संशोधन आया था। इन तीनों संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषा जोड़ी गई थी। कैसे, पहले 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 71वें संविधान संशोधन में जो भाषा जोड़ा गया था
उसमें जो जोड़ा गया था वो नेपाली था, नेपाली, मणिपुरी और अगर हम बात कर लेते हैं कोंकणी, ये भाषा इसमें जोड़ा गया था। तो तीन भाषा, 71वें संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन के माध्यम से चार भाषा को जोड़ा गया था। और वो कौन कौन सी भाषा थी उसका भी नाम आप सुन लीजिए, बोडो, बोडो डोगरी और संथाली, संथाली और मैथिली, ये भाषा जोड़ी गई थी। तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जैसे चार भाषाओं को सबसे बाद में जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत तीन संविधान संशोधन हुए थे। पहला संविधान संशोधन आप देख रहे हैं सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ये 1967 में संविधान संशोधन हुआ था, 1967 में, ये 1992 में हुआ था और ये लगभग 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर? तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से चार भाषा जोड़ी गई थी और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से तीन भाषा और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक भाषा। इस तरीके से देखेंगे वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषा है। क्लियर? इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मित्र, तो मूल संविधान की अंतिम भाषा, अंतिम अनुसूची कौन थी? तो भाषा थी। ध्यान से सुनिएगा, मूल संविधान की अंतिम 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 अनुसूची कौन थी? तो भाषा थी। क्लियर? अब देखते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर में वो चार अनुसूचियां कौन थी जो बाद में जोड़ी गई। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं कि जो मूल संविधान में चार अनुसूची जोड़ी गई, जो इसमें चार जोड़ी गई, वह कौन कौन सी है। आइए हम देख लेते हैं चारों में वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो चार अनुसूची जोड़ी गई उनमें से जो पहली अनुसूची थी, वह पहली अनुसूची थी भूमि सुधार। जी हाँ, भूमि सुधार। और आपको मैं बता दूं, भूमि सुधार जो हुआ था इसको 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो भूमि सुधार में पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहला संविधान संशोधन के माध्यम से भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। क्लियर? इसके बाद जो 10वीं अनुसूची आती है, वो 10वीं अनुसूची राजनीतिक दल बदल, राजनीतिक दल बदल, दल बदल संबंधित अनुसूची लाया गया था। और इसमें जो संविधान संशोधन था वो 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन, और इसको जोड़ा गया था 1985 के आसपास। तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दल बदल जैसे संबंधित अनुसूची को जोड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद जो 11वीं अनुसूची यानी कि मूल संविधान में जुड़ने वाली तीसरी अनुसूची कौन थी, तो इसमें जुड़ने वाली जो तीसरी अनुसूची थी वह थी ग्राम पंचायत। जी हाँ, ग्राम पंचायत की अगर हम बात कर लें तो ग्राम पंचायत ये जुड़ने वाली तीसरी अनुसूची है। एक कब जुड़ी थी इसको? 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था। लेकिन ये जो प्रभावी हुई थी, लेकिन प्रभावी या अधिनियमित जो हुई थी ये कब हुई थी? ये प्रभावी जो हुई थी वह हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, लेकिन प्रभावित कब हुई? 1993 में। अब इसके बाद देख लेते हैं जो सबसे लास्ट में 12वीं अनुसूची जोड़ेगी या मूल संविधान में जुड़ने वाली चौथी अनुसूची कौन थी, तो वह कौन थी?
नगर पालिका। अगर हम नगर पालिका की बात करें या नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और प्रभावी कब ये हुआ था, तो ये प्रभावी अधिनियमित 1994 में कब हुआ था, 1994 में प्रभावित हुआ था। और ग्राम पंचायत 1993 में, लेकिन संविधान संशोधन 73वां 1992 में, 74वां 1992 में, ये प्रभावी 1994 में हुआ था, ये प्रभावी 1993 में हुआ था। इस चीज़ को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ये प्रश्न जब आता है एग्जाम में तो बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि संविधान संशोधन कब हुआ और प्रभावी कब हुआ। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस अनुसूची से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, दूसरी जुड़ने वाली अनुसूची कौन सी है, दसवीं अनुसूची कौन सी है, अंतिम जुड़ने वाली अनुसूची कौन सी थी, मूल संविधान की अंतिम अनुसूची कौन सी है, चौथी अनुसूची कौन सी है, जुड़ने वाली चौथी अनुसूची कौन थी, और उन अनुसूचियों का संबंध किस किस संविधान संशोधन से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट करिएगा। हाँ, ये है कि मेरा जो वीडियो है ये स्पेशली टेट, पेट और एसएससी जैसे बच्चों के लिए ही है। हाँ, इसका फ़ायदा जो सिविल की भी तैयारी करते हैं वो भी उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, क्योंकि जीएस और जीके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक दूसरे में मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से इस वीडियो का आप आनंद उठाइए। नेक्स्ट टाइम हम संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे, एक तरीके से वो संविधान के भाग का नाम भी पता चलेगा और संविधान में मुझे स्पेशली क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी पता चलेगा आपको। क्लियर? हालांकि मैंने संविधान की विशेष सूची बताई थी, वहाँ मैंने भाग की चर्चा की थी, वहाँ मैंने अनुसूची की चर्चा की थी, लेकिन अब यहाँ पर आपकी अनुसूची कंप्लीट होती है और इसके बाद में पूरा भाग बताऊँगा और उस भाग से संबंधित अनुच्छेद बताऊँगा। क्लियर? फिर उसके बाद हम एक एक भाग करके एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। लेकिन मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा से वैज्ञानिक पद्धति पर है, क्रमबद्ध तरीके से है, ताकि बच्चे को चीज़ों को पढ़ने में क्या हो, काफ़ी ज़्यादा क्या हो, आसानी हो। क्लियर मित्र? तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं संविधान के भाग के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।